गगहा थाना क्षेत्र के शिवपुर सुप्रवली गांव में हुए अधिवक्ता हत्याकांड के मुख्य आरोपी चंकी पांडे को उसके पिता के साथ गगहा थाने की पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस ने गिरफ्तार किए गए अभियुक्त के पास से घटना में प्रयुक्त अवैध तमंचा भी बरामद किया है। गिरफ्तार किए गए अभियुक्तों की पहचान चंकी पांडे उर्फ प्रेम कुमार पांडे पुत्र महेश्वर पांडे और महेश्वर पांडे पुत्र ब्रह्मानंद पांडे निवासी शिवपुर सुकरौली थाना गगहा जनपद गोरखपुर के रूप में हुई है। गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम में एसओ राजप्रकाश सिंह वरिष्ठ उप निरीक्षक प्रवेश कुमार सिंह उप निरीक्षक प्रधान यादव उप निरीक्षक कुमार गौरव सिंह कांस्टेबल रमेश यादव नंदलाल गौड़ दीपू कुमार और विनीत यादव शामिल रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसपी साउथ विपुल कुमार श्रीवास्तव ने कहा एक अपराध 16/8 को लिखा गया था। 16 अगस्त को थाना गगहा में हत्या का आरोप था और उसमें एक वकील साहब थे राजेश्वर पांडे जी जिनकी हत्या की गई थी। इस हत्या के 5 नामित अभियुक्त थे जिसमें 2 की गिरफ्तारी उसी समय कर ली गई थी। शेष 3 अभियुक्तों में 2 गिरफ्तार आज हुए हैं। जो मेन अभियुक्त जिसने गोली मारी थी वो चंकी पांडे गिरफ्तार हुआ है और उसके पिता उसके साथ थे उसकी गिरफ्तारी आज हुई है। उनके साथ ही जो हत्या में जो आला कतल प्रयुक्त हुआ था 12 बोर का तमंचा वो गिरफ्त मिला है। वकील की हत्या की गई थी वकील राजेश्वर पांडे जी की हत्या। ये इनका कुछ जमीनी विवाद है जो वो घास छील रहे थे उस दिन सुबह सुबह और उनकी उसने वो अपराधी थी। इससे पहले भी एक बार बहुत पहले एक घटना हुई है जिसमें यही अभियुक्त हैं यही दोनों पक्ष हैं और उस समय भी कार्रवाई बहुत सही नहीं हुई थी। इन पर और भी कार्रवाई होती तो हो सकता है ये घटना फिर ना होती। सब ऐसे ही खेती बाड़ी करते हैं। हाँ आरोपी का कुछ फोटोग्राफ्स मिले हैं उसके बारे में तहकीकात की जा रही है कि इसका क्या उससे लिंक है और असलाह जो लेके खड़ा है तो असलाह का क्या है वो वैलिड है कि इनवैलिड है। अगर इनवैलिड असलाह होगा तो उसके उस पर भी कार्रवाई होगी अगर वैलिड है तो उसके कैंसिलेशन की रिपोर्ट जाएगी। सब चीज़ें जांच के लिए दिया गया है अगर कोई इस तरीके से जो भी है तो उसकी जांच होगी। जांच के बाद तो और कार्रवाई होगी।